आजकल हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कुछ इस तरह की वीडियो मुझे भेज रहे हैं जिसपे हमें दिखाया जा रहा है कि सारे हीरोज ट्रिब्यूट दे रहे हैं आयरन मैन को, और इसमें एक खास बात भी है, और वो क्या खास बात है वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, बट उससे पहले ये छोटा सा इंट्रो। I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there faster. तो हेलो सुपर फैंस, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं सुपर कंक्लूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखनी है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बस आपको जो 30 तारीख को डिजिटल ब्लूरे और 14 तारीख को जो अल्ट्रा ब्लूरे रिलीज होने वाली है उसमें आपको डायरेक्टर कट जो भी वीडियो है सब आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी में ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। बट इसे क्यों नहीं फीचर किया गया मूवी में, ऐसे ये सीन इतना बुरा भी नहीं था कि इसे मूवी में ना डाला जाए, और अगर इसे मूवी में डाला जाता तो फिल्म की थोड़ी सी हाइट बढ़ती, बट फिल्म में अगर ये सीन देखने को मिलता तो और भी ज़्यादा लोग इमोशनली होकर हॉल से बाहर आते। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टर्स की गलती तो मानूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को हमें दिखाने से रोक दिया, भले ही हम उसे बाद में देख लेंगे बट मूवीज़ में देखने का मजा ये कुछ अलग ही आता। हर कोई जब हॉल से रो रहा था तब लोग अगर ये देखते तो इसके बाद उन्हें कम से कम थोड़ा तो राहत मिलता कि उनके हीरो को ट्रिब्यूट दी जा रही है इतने बड़े बड़े सुपर हीरोज़ के द्वारा, और उस समय शायद ऐसा सीन भी क्रिएट हो जाता कि हॉल में भी लोग बैठे जो हैं जो इस मूवी को वॉच कर रहे हैं वो भी यहाँ पर ट्रिब्यूट वाले पोज पे आ जाते और ट्रिब्यूट देते हैं अपने टोनी स्टार्क आयरन मैन को। तो अब बात करेंगे हम उस बात पे कि जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, वो है गमोरा की बात। तो यहाँ से एक चीज़ तो फाइनल हो गया कि गमोरा अभी ज़िंदा है, यानी कि जब टोनी ने फिंगर स्नैप किया तो जितने भी थैनोस और थैनोस के आर्मी मरे वो लोग के साथ गमोरा नहीं गई, तो इससे ये साबित होता है कि जो भी तब टोनी स्टार्क ने यही मन में सोचा होगा कि जो भी हमारी तरफ से लड़ रहा है उन्हें छोड़कर जो भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है सिर्फ वही इस डेस्टिनेशन इवेंट का शिकार होंगे। तो हमें सीधे से समझ में आ गया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में हमें गमोरा डेफिनेटली दिखेगी, और फिर वो मिलेगी पीटर क्विल से और पीटर क्विल फिर से उसे हटाएगा। तो आज के लिए छोटी सी अपडेट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाए बिना यहाँ से मत जाइएगा। और हम यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मिलूंगा किसी और कंक्लूजन के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन बाय।